हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की आरटीआई कॉपी लेकर उपस्थित हैं। ये जीएस पेपर वन की कॉपी है जिसका कि परीक्षा 13 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया था। रैंक 25th इनकी रही है। इनका नाम है नितेश कुमार पाठक। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कॉपी आरटीआई कॉपी साझा की है, तो सबसे पहले तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये वीडियो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हें जीएस पेपर वन में 190 यानी 190 अंक प्राप्त हुए हैं। जहां तक स्टेट के प्रश्नों की बात है तो एक में इन्हें 30 और एक में 36 मिले हैं। यानी आप देख सकते हैं कि स्टेट में 100% मार्क्स भी मिलता है। तो आपके मन में अगर कोई दुविधा हो तो इसे क्लियर कर लें। और जो इन्हें एक पेपर में 6 नंबर कम मिले हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। यानी कि अगर आप सही क्वेश्चन दोनों बना लेते हैं तो आपको 72 नंबर यानी 72 में 72 आउट ऑफ 72 मिल सकता है। उत्तर के कंटेंट को समझने में आपको सुविधा हो, इसलिए हमने निर्णय लिया कि क्वेश्चन को पहले हम आपको बता देंगे कि किस प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा है। तो खंड ए जो होता है, पहला खंड इतिहास से संबंधित, उसमें प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। अब इनकी उत्तर के फॉर्मेट को हम देख लेते हैं। गांधी जी के विभिन्न विचारों समेत सामाजिक और सांस्कृतिक विचार वर्तमान समय में भी थोड़े बहुत अंतर के साथ आज भी प्रासंगिक हैं। इनके विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विचार निम्नलिखित हैं। अब इन्होंने देखिएगा, इन्होंने उत्तर को वर्गीकृत तरीके से लिखा है, जैसे धर्म और राजनीति से संबंधित विचार। महात्मा गांधी धर्म का प्रयोग राजनीति में करने के समर्थक थे। उनका मानना था कि धर्म नैतिकता सिखाती है और धर्म का प्रयोग राजनीति में होगा तो राजनीति में इससे नैतिकता का समावेश होगा और राजनीति में स्वच्छता आएगी। वर्तमान समय भी राजनीति हमें धर्म का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन हमारे नेता इसका प्रयोग समाज को बांटने और सत्ता प्राप्त करने में इच्छा से करते हैं। अतः अगर हम गांधी जी के बताए मार्ग पर चलें तो राजनीति को स्वच्छ बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने हेडिंग दिया है संस्कृति। गांधी जी का मानना था कि सभी संस्कृति में अच्छी एवं बुरी चीज़ें होती हैं, हमें हमेशा दूसरी संस्कृति से अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। इन्होंने इसके लिए घर का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति एक घर के समान होनी चाहिए जिसके सभी दरवाजे खुले होने चाहिए ताकि गुणों का इसमें समावेश हो सके, लेकिन इतना ही बिना कि अपना लेके हमारा घर ही गायब हो जाए। वर्तमान समय में हम अपनी संस्कृति में इन सिद्धांतों का प्रयोग अच्छे गुणों को समावेशित करने के लिए कर सकते हैं। इसमें भारत के आंतरिक माहौल के साथ साथ अन्य देशों के हमारे संबंध भी अच्छे होंगे। फिर उन्होंने गांधी जी के शिक्षा से संबंधित विचारों पर प्रकाश डाला है। गांधी जी बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं। 1937 में आयोजित वर्धा सम्मेलन में शिक्षा पर अपने विचार रखते हुए सही शिक्षा के कुछ मानक बताए। इन मानकों का आप उल्लेख करेंगे, यानी कि वर्धा शिक्षा में आप गांधी जी की वर्धा जो डॉक्यूमेंट है उसका उल्लेख जरूर करेंगे। इसी को ध्यान में रखकर हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने संविधान में शिक्षा पर निर्मित कई नीतियों में इसका समावेश भी किया है। वर्तमान में अगर हमारी शिक्षा व्यवसाय आधारित होती तो बेरोजगारी की समस्या इतनी जटिल नहीं होती। अतः हमें इस दिशा में गांधी जी के विचार के साथ समय के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। फिर वर्ण व्यवस्था के संबंधित गांधी जी के विचारों का उल्लेख किया गया है। गांधी जी समानता के समर्थक थे तथा वे मानते थे कि अगर समाज में सभी जरूरत के सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वज द्वारा किए गए कार्यों को करना होगा। जैसे अगर एक कपड़ा निर्माता का पुत्र कपड़ा उद्योग में आगे बढ़ता है तो उसकी कुशलता भी बढ़ेगी और समाज और सामान की आपूर्ति भी बढ़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि अगर इस योग्य है कि अपने योगदान से समाज को बढ़ा सकता है तो अन्य व्यवसाय को अपनाने के लिए भी पूरी तरह से उसे छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने उसको एक दायरे में बांध दिया था कि अगर किसी का पिताजी अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो अगला उनका पुत्र भी वही व्यवसाय करे, अगर वो किसी अन्य कार्य में कारण सक्षम है तो दूसरा व्यवसाय कर सकता है। वर्तमान समय में गांधी जी के
इस बताए गए कथनों पर चलकर हम समाज में व्याप्त भयंकर असमानता को दूर कर सकते हैं। इसके बाद अहिंसा संबंधित गांधी जी के विचार। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत काफी व्यापक था। अहिंसा से उनका तात्पर्य केवल मानव के प्रति अहिंसा न होकर पशु पक्षी एवं पर्यावरण के प्रति भी अहिंसा से था। गांधी जी इस सिद्धांत को अपनाकर आज हम दुनिया में आतंकवाद, नक्सलवाद, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से लड़ सकते हैं। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान देंगे कि किसी भी आप चिंतक को अगर लिखें तो उसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उससे तुलना करके आप जब लिखते हैं तो आपका उत्तर और भी सुंदर और बेहतरीन हो जाता है। इसके बाद साध्य एवं साधन के संबंध में गांधी जी के विचारों की चर्चा की गई है। अब देखिए इन्होंने निष्कर्ष लिखा है। समग्रतः कहा जा सकता है कि गांधी जी के विचार उनके मृत्यु के 70 वर्ष के बाद भी उसी रूप में प्रासंगिक है। यही कारण है कि आज न केवल भारत बल्कि विश्व गांधीवादी विचारों को अपनाकर प्रगति कर रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो निष्कर्ष लिखना कभी ना भूलें। निष्कर्ष हमेशा संतुलित, भविष्य लक्ष्य। आप देख सकते हैं कि संतुलित है क्योंकि उन्होंने बहुत आलोचना नहीं की है। भविष्य लक्ष्य कैसे है, इन्होंने बताया है कि न केवल इनके विचारों से भारत लाभ उठा रहा है बल्कि दुनिया के विभिन्न देश भी गांधीवादी विचारों को अपनाकर प्रगति कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है, तो आंसर भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्रश्न के डिमांड के अनुसार कारण और परिणाम पर फोकस होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने एक संक्षिप्त भूमिका लिखी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के संपूर्ण इतिहास में जनजातियों ने अनेक अवसरों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के विरुद्ध आवाज उठाया और वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। इन सभी आंदोलनों में संथाल विद्रोह 1856 अपने प्रकार का प्रथम विद्रोह था जो छोटा नागपुर पठार के पास स्थिति वर्तमान संथाल परगना में हुआ था। उस समय इन क्षेत्रों को दामेन कोह के नाम से जाना जाता था। कोई लक्ष्यदार भाषा नहीं, बिल्कुल टू दी पॉइंट भूमिका लिखी। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण है। छोटा मैप में इन्होंने दर्शा दिया कि संथाल जो परगना था उसमें वो कहाँ पे लोकेटेड था। इसके बाद आर्थिक कारण बताएं। कारण आप सबको पता है, किसी भी मैप उठा के देख लेंगे तो आपको कारण मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको कारणों को जल्दी जल्दी पास कर दे रहा हूँ। इसके बाद सामाजिक धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, अन्य कारण, दिक्कू की बढ़ती गतिविधियां। दिक्कू आपको पता होगा किन्हें कहा जाता था, जो बाहर के लोग होते थे उन्हें दिक्कू कहते थे। तात्कालिक कारण क्या था, अब इसके बाद इन्होंने परिणाम को लिखा है कि इस आंदोलन के क्या परिणाम हुए। प्रयास करें कि हमेशा देखें, आप किसी भी टॉपर की कॉपी देखेंगे तो बिंदुवार लिखा रहता है, बड़े बड़े पैराग्राफ का प्रयोग नहीं होता है, छोटे छोटे पैराग्राफ में उत्तर को लिखने का प्रयास किया जाता है। अब देखेंगे कि इन्होंने जो मार्किंग हुई है इस प्रश्न को दो हिस्से हैं, कारण और परिणाम 11 और 12 और कुल मिलाकर इन्हें 23 नंबर इस प्रश्न में प्राप्त हुए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट लाइन से ही विशेषता बताना शुरू करोगे, कम से कम पृष्ठभूमि बताते हुए 8 से 10 लाइन की एक आप भूमिका लिखेंगे। जैसे इन्होंने लिखा है कि मुगल काल में जब औरंगजेब यहाँ का शासक था तो उसने कला के विभिन्न क्षेत्रों चित्रकला शैली में उस पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण मुगल दरबार के जो चित्रकार थे वो इधर उधर अपने रोजगार और आशय के लिए वहाँ से क्या हुए, पलायन करने लगे। और इसी दौरान वो जब पटना आए तो पटना में आकर बस गए और 18वीं सदी के अंत तक इन्हीं चित्रकारों की कला ने एक शैली का विकास किया जिसे पटना कलम शैली के नाम से जाना जाता है। इस समय चित्रकला का संरक्षक और खरीदार तत्कालीन नौ धनाढ्य भारतीय और ब्रिटिश कला प्रेमी थे। इनकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। अब विशेषताएं मैं आपको एक एक करके दिखला देता हूं क्योंकि किसी भी किताब में आप जब खोल के देखेंगे तो विशेषताएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। इस चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला शैली और अंग्रेजी चित्रकला शैली के साथ साथ स्थानीय विशेषताओं का भी प्रभाव दिखता है। यह एक लघु चित्रकला शैली थी। यह चित्रकला में पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों के साथ साथ फल फूल को भी चित्रित किया गया है, जिसने चित्रों की पृष्ठभूमि का प्रायः अभाव दिखता है। इसमें प्रस्तुत विभिन्न रंगों जैसे भूरा,
गहरा लाल, गहरा नीला आदि का प्रयोग किया जाता था। इन रंगों को कोयला, केसर और विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता था। मनुष्य की ऊंची नाक, आंख, पतले चेहरे, मूछें को दर्शाया जाता था। औरतों को सुंदर दिखाने के लिए उन गहनों से उन्हें लदे हुए चित्रकायन यहाँ इसमें देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि इन्होंने टू दी पॉइंट, बहुत लंबा नहीं लिखना है। कोई कोई अब किसी को आपको मान लो कि पटना कलम की विशेषता पता है, आप 10 पेज में उसकी विशेषता ही बताओगे तो अगला प्रश्न कहाँ से लिखोगे। तो देखा आपने कि इन्होंने कंक्रीट 7 से 8 पॉइंट दिए, बस खत्म। पटना संग्रहालय और खुदाबख्श लाइब्रेरी में वर्तमान समय में भी इसे संग्रहित किया गया है, जहाँ आप जाकर इसे देख सकते हैं। इस प्रश्न में 20 नंबर प्राप्त हुए। अब सेक्शन 2 में हम देखते हैं। सेक्शन 2 में जो प्रश्न का उत्तर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, प्रश्न है, एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं? इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की भी विवेचना कीजिए। 3 सेक्शन में प्रश्न है। अब जब देखेंगे लास्ट में इस उत्तर के, तो जो उन्होंने मार्किंग की है एग्जामिनर ने, वो 3 खंडों में ही की है। तो फर्स्ट क्या है, एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं? इन्होंने एनआरसी को बताया है कि एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यह एक सूची है जिसमें किसी राष्ट्र के सामान्य स्थायी निवासी का नाम दर्ज होता है। वर्तमान समय में एनआरसी के अंतर्गत असम में निवास करने वाले स्थायी एवं अस्थायी निवासियों की पहचान हेतु इसे बनाया गया है। इसके बाद इस एक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। अब पहला प्रश्न के बाद उन्होंने लिखा, एनआरसी बता दिया, इससे संबंधित विभिन्न राजनीतिक क्या क्या मंशाएं हैं, इसे पॉइंट वाइज इन्होंने लिखने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल का इन्होंने जिक्र किया है कि पश्चिम बंगाल का आरोप है कि एनआरसी में बंगाली लोगों के नाम भी इसमें डाले गए हैं, अतः इन लोगों को पश्चिम बंगाल में हमें रहने का मौका दिया जाना चाहिए। अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दिखाया है, मानवाधिकार चार्टर का उल्लेख किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोहिंग्या, सीरिया की जो शरणार्थी हैं आदि के कल्याण की वकालत करता है, भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है, तो ऐसे में भारत द्वारा उन लोगों को बाहर, भारत से बाहर की राह दिखाने उचित नहीं प्रतीत होता है, अतः हम इसे पुनः बांग्लादेश भेजने का अगर हम इस तरह के निर्णय लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समग्रता कहा जा सकता है कि 39 लाख लोगों को किसी भी प्रकार का निर्णय हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। बांग्लादेश के साथ हमें राजनीतिक स्तर पर वार्ता करनी चाहिए। हालांकि इस बार इस प्रकार का कोई भी निर्णय पूर्व उन लोगों को एक मौका उन्हें अपनी नागरिकता को साबित करने का जरूर देना चाहिए अंतिम निर्णय लेने से पहले। आप देख सकते हैं 7, 7+6 यानी कि इन्हें 20 मार्क मिले हैं 3 खंडों में। अगला प्रश्न है हमारा कि 2+2 वार्ता क्या है? भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। तो पहले इन्होंने 2+2 वार्ता बता दिया है। 2+2 वार्ता दो देशों के बीच ऐसी वार्ता है जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न करते हैं। हाल ही में भारत ने यूएसओ के साथ वार्ता को संपन्न कर रक्षा संबंधी समझौते जैसे कोमकासा पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद भारत और ईरान के मध्य यूएसए तथा भारत के बीच संपन्न 2+2 समझौते के निम्नलिखित आयाम हो सकते हैं। इन आयामों को इन्होंने बताने की कोशिश की है। इस 2+2 समझौते से जहां भारत और यूएसए के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ अमेरिका के संबंध काफ़ी खराब हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान P+51 के मध्य 2015 में संपन्न नाभिकीय समझौता से स्वयं को अलग करके ईरान पर नवंबर 2017 में अनेक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध से अब भारत ईरान में
डॉलर भुगतान करने, पेट्रोलियम नहीं खरीद पाएगा, बिना डॉलर भुगतान किए पेट्रोलियम नहीं खरीद पाएगा। हालांकि 6 माह के लिए भारत समेत 8 देशों को इससे छूट प्रदान किया गया है। अब एक चीज हमेशा देखो कि इनका जितना भी उत्तर है वो सब बुलेट फॉर्म में है, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ में बुलेट वाइज, आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे आप जरूर डालेंगे, जैसे तापी गैस लाइन। इसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि 2+2 समझौते में जहां भारत को रक्षा क्षेत्रों में इसका लाभ होगा, वहीं ईरान से संबंधों पर अधिकतर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में भारत को कूटनीति का सहारा लेकर अमेरिका और ईरान के मध्य स्वयं को व्यवस्थित करना होगा ताकि उपयुक्त नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। 2 खंडों में प्रश्न पूछा गया है, पहले मिले हैं 7 मार्क्स, दूसरे में मिले हैं 14, टोटल मिले हैं 21 मार्क्स। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए। बिम्स्टेक देशों के संगठन की हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए, भारत के हित आशाएं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। अब इन्होंने बिम्स्टेक की भूमिका बता दी। एक संकल्पना के दृष्टि से बिम्स्टेक नामक संगठन की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश इसमें क्या थे, सदस्य थे, लेकिन बाद में भूटान, श्रीलंका, नेपाल भी इसमें शामिल हो गए और इस प्रकार वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 7 हो गई है। ये सभी देश बंगाल की खाड़ी को साझा करने वाले तटीय देश हैं। ये सभी देश बिम्स्टेक देश बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समय समय पर क्या करते हैं, वार्ताएं आयोजित करते हैं। हाल ही में 2018 में इसका सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में संपन्न हुआ है, जिसमें कई कदम उठाए गए हैं, जैसे इसके सचिवालय को मजबूत करेंगे, सभी सदस्य देश मिलकर आपस में सैन्य अभ्यास करेंगे, मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार इस सम्मेलन में भारत ने अपने योगदान को और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है, वादा किया है। इस संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में साझा संकल्प पत्र भी पारित किए गए हैं। अभी समझौते के जो बिंदु हैं उनको इन्होंने बताया है। इन्हें इस प्रश्न में 19 अंक प्राप्त हुए हैं। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के उत्तर मैंने आपको दिखला दिए। अब हम चलते हैं सेक्शन 3 यानी स्टेट के खंड पे। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था किनको 190 अंक प्राप्त करने में जो सबसे सहायक भूमिका अदा की थी वो इसी सेक्शन 3 ने की थी, जिसमें इन्हें 66 मार्क्स मिले हैं 72 में। यानी कि अगर आपको भी सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे ज़्यादा फोकस स्टेट वाले प्रश्नों पर देना होगा, क्योंकि इसमें 100% नंबर प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, महाराष्ट्र के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा कार प्रयोग करने की वृद्धि को अवधि 2011 से लेकर 2016 तक के लिए दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2014 में यदि कुल कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया तो प्रति महिला कितनी कारों का प्रयोग 2014 में हुआ। पहला काम करें कि इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाए तो जो लेखा चित्र आपको दिया जाता है उसको टेबुलेशन फॉर्म में एक टेबल बनाकर रख लें, ताकि आपको डेटा यूज करने में काफ़ी आसानी हो और आपका समय की भी आपकी बचत होगी। तो इन्होंने क्या किया, 2011 से लेकर 2016 तक पहले रो में डाला, इसके बाद फर्स्ट कॉलम में इन्होंने पुरुष, कार, महिला, उसकी संख्या का वर्णन किया और नीचे यूनिट जरूर आप लिखें, सभी किस में है, हजार में। अब देखो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बनाया है। 2014 में कार की कुल बिक्री, महिला द्वारा प्रयुक्त कार, इसके बाद आंसर। बहुत लंबा नहीं करना है, कैलकुलेटर का प्रयोग करें, यहाँ पे बहुत काट कूट करने की जरूरत नहीं है।
इसके आप देखेंगे सेकंड सेक्शन इन्होंने बनाया है। अब सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समय भी बचाना है, क्योंकि स्टेट के प्रश्नों के हल करते समय कोई किसी किसी बच्चे को 1 घंटे 10 मिनट से 1 घंटे 15 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप 1 घंटे 15 से 20 मिनट लगा देंगे तो फिर आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए समय की कमी हो सकती है। अब देख रहे हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्होंने उत्तर को लिखा है। ए इनका गलत हो गया है, डी इसमें इन्होंने 0 अंक मिले हैं। तो आपने देखा कि इन्हें पहले वाले क्वेश्चन कितना अंक मिले, 30 मिले, एक इनका गलत हो गया है। ये पाई चार्ट आधारित प्रश्न है, प्रश्न है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों में व्यय दिखाया गया है तथा उन प्रश्नों को उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने काम क्या किया कि उस पाई चार्ट की मदद से इन्होंने एक टेबुलेशन फॉर्म में एक टेबल क्रिएट किया, जितने भी विभिन्न मद हैं उनको उन्होंने एक कॉलम में दिखलाया, फिर द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में उनके मानकों को दर्शाया, फिर यूनिट का जिक्र इन्होंने नीचे में कर दिया है। पाई चार्ट के प्रश्न आपको प्रयास करना चाहिए कि अगर 4 प्रश्न पूछे गए हैं, अगर उसमें से एक प्रश्न पाई चार्ट का है तो पाई चार्ट वाले प्रश्न को आप जरूर हल करें, क्योंकि वो प्रश्न सामान्यतः प्रकृति में आसान होता है। मैं आपको धीरे धीरे पूरी प्रोसेस को दिखला देता हूं। तो आपने देखा पूरी कॉपी जीएस पेपर 1 की मैंने आपके साथ साझा की है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे, आप वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने का जो परसेंटेज है जब मैं एनालिसिस में मैं देखता हूँ तो काफ़ी कम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ हम उपलब्ध कराते रहें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम इसका पार्ट 2 यानी GS पेपर 2 जरूर आपके साथ लेकर उपस्थित होंगे। तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।